बड़ी खबर जो आप बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है। कोर्ट से राबड़ी देवी हेमा मीसा को राहत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, हृदयानंद चौधरी को भी राहत मिली है। कोर्ट ने सभी को नियमित जमानत दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, देखिए दिल्ली से सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला, माफ कीजिएगा, नौकरी के बदले जमीन का ये पूरा मामला है। और इसी मामले में एक बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आई, जहां कोर्ट ने राबड़ी देवी और हेमा मीसा भारती को राहत दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, और साथ ही साथ हृदयानंद चौधरी को भी यहां पर बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सभी को नियमित जमानत यहां पर दे दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कोर्ट से सभी को नियमित जमानत मिल चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, कोर्ट ने यहां पर सभी को नियमित जमानत दे दी है, बड़ी जानकारी इस वक्त की देखिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुनवाई के दौरान और क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई, अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए, कोर्ट से इस मामले में राबड़ी यादव, हिमा यादव और इसके अलावा जो मीसा भारती और हृदयानंद चौधरी है, ये चारों आरोपियों को नियमित जमानत मिल गई है। अब तक ये कोर्ट से अंतरिम जमानत पर थे, और कोर्ट ने जब पिछली बार इन चारों को अंतरिम जमानत दी थी तो ईडी को नियमित जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। आज ईडी की ओर से जवाब भी दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कोर्ट जमानत देती है इन आरोपियों को तो ऐसी शर्तें लगाए ताकि जमानत का दुरुपयोग ना हो पाए। कोर्ट ने भी ये कहा कि चूंकि चारों आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ऐसी सूरत में अब इस स्टेज पर जमानत अर्जी स्वीकार न करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। और कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ, जो कि जमानत देते वक्त अमूमन लगाई जाती है, कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और किसी भी तरीके से जांच के ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, इन शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अब नियमित जमानत चारों आरोपियों को मिल गई है, और अब आगे जो चरण शुरू होगा इस मामले में वो आरोप तय करने को लेकर धीरे का होगा। सीबीआई वाले मामले में जमानत पहले मिल चुकी है, ये ईडी की ओर से दर्ज केस था जिसमें आज चारों आरोपियों को जमानत मिली। बिल्कुल अरविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।